हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल पवार ब्रदर्स। तो कैसे हो सब? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज आपके सामने है इंडिया की पहली बाइक थार। तो आज हम इसका भाई से ओनरशिप रिव्यू करेंगे। तो भाई वीडियो में बने रहो, उम्मीद करता हूँ आपको आज की मेरी वीडियो अच्छी लगे। आ जाओ भाई। राम राम भाई। भाई राम राम, कैसे हो? बढ़िया भाई, मौज आ रही है? हमारी मौज आ रही है। तो भाई ये सब करने की क्या जरूरत पड़ गई? भाई बस बढ़िया लग रही थी। और भाई सीधी सिंपल बात पूछूंगा, कितने रुपए टोटल एक बार? भाई 12 लाख। 12 लाख रुपए थार कितने की पड़ी? भाई 30 की पड़ गई। ना ना, कंपनी से लाए जाओ। कंपनी से भाई 16.5-17। 16.5 लाख की थार ली भाई ने, और उस पे फिर 12 लाख रुपए एक्स्ट्रा लगा दिए। भाई वाह। तो अब जो 12 लाख लगाए ना, अब हम उस सारी चीज को देखेंगे क्या 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 फीचर भाई ने ऐड करवाए। आ जाओ भाई, पास आ जाओ। अब ए टू जेड मेरे को चीजें गिनवाओ, क्या क्या चीज आपने स्टार्टिंग से लेके एंड तक करवाया गाड़ी में 12 लाख रुपए का? सबसे पहले आप ये ग्रिल देख लो, ये चेंज है आपकी। हाँ, ग्रिल रेंगलर वाली। रेंगलर वाली ठीक है। बम्पर हो गया, बम्पर वो मेटल वाला। हाँ, रेंगलर का ही मेटल वाला। ठीक है ठीक है। आपकी लाइट भाई, लाइट थ्रो है इनका? लाइट थ्रो भाई, हाई बीम पे। अच्छा हाँ, अच्छा ठीक है। तो बहुत बढ़िया। और भाई फिर आपके ये आ जाते हैं। ठीक है, ये तो आपने पूरे मतलब यही चेंज करा दिया? पूरा यही चेंज है आपका। भाई फिर आपने मतलब किस पे कराया काम? भाई सिकंद कार वर्ल्ड। सिकंद कार जो वो लुधियाना, वो रील फेमस हो रही थी ना, व्हाइट थार की है भाई, वही थार है अपनी। तो उसी थार का आज हम रिव्यू कर रहे हैं। चलो तो भाई आगे की हो गई बात। ये व्हाइट कलर भाई, ये क्या सीन हुआ? पूरा पेंट किया, क्या किया है भाई? ये पूरा पेंट किया है उन्होंने। पेंट किया है जी। अच्छा जी, तो भाई पेंट पहले कौन सा कलर था गाड़ी का? भाई एक्यो मराइन, ग्रीन कलर आता है ना, एक एक्यो मराइन। हाँ हाँ हाँ, सॉफ्ट टॉप में एक्यो मराइन। अच्छा, सॉफ्ट टॉप थी ये? ओहो भाई ने तो फिर भाई मैं यूं कर रहा हूँ पूरी हार्ड टॉप करवाई है। पेट्रोल ऑटोमेटिक। ये जंग भाई, चलो इसकी वीडियो दिखाएंगे आपको बाद में, पहले ये भाई से पूछ लेते हैं क्या क्या क्या। अच्छा, सनरूफ भी है? हाँ जी भाई। और अलॉय व्हील? अलॉय व्हील भाई 22 इंची लो प्रोफाइल अपने। 22 इंची लो प्रोफाइल मोंगा टायर से। अच्छा जी, मोंगा डी ये दूसरे वाला है? वो लाइन में है भाई, ये 3-4 शोरूम वेलोसिटी टायर्स, मोंगा टायर्स सिकंद। तो भाई ये अपने गुड़गांव दिल्ली में कहीं और नहीं होता है काम? आप जितनी दूर गए करता ही नहीं है ना यहाँ पे ऐसे। अच्छा, इसलिए वहाँ गए थे। अच्छा, तो भाई क्या फील आती है गाड़ी के साथ? भाई फील तो बहुत बढ़िया आती है। अच्छा जी, पहले क्या चीजें गिनवाओ मेरे को, क्या क्या आपने? हाँ भाई, आपके पीछे की लाइट चेंज है। पीछे की लाइट चेंज है? इनमें अलग अलग तरीके से चलती है, जब इंडिकेटर, पार्किंग लाइट ऑन करते हैं। अच्छा, और ये वही जी वैगन वाला? जी वैगन वाला व्हील कवर हो गया। हाँ, ये पूरी पीछे तो भाई जी वैगन वाली लुक दे रही है गाड़ी। पूरी पीछे से जी वैगन हो गई, आगे से आपकी रेंगलर होगी। थार के तो मजे ना ले रहे हो आप, तो बड़ी गाड़ियों के मजे ले रहे हो। 30 लाख रुपए में देख लो भाई, 1 करोड़ और 70 लाख की गाड़ी के मजे ले रहे हो। ये क्या सीन है भाई इसका? भाई ये है इसका वो थार में आपने देखा हो, चाबी से खुलता है फ्यूल टैंक। अच्छा, इसका भाई स्विच लगवा दिया, अब स्विच से खुलता है। अच्छा जी। हाँ जी, ये तो बहुत कमाल कर दी है। और भाई ये जैसे आपका थार में प्लास्टिक का आता है। हाँ, अब ये प्लास्टिक का नहीं है। अच्छा, अब ये किस चीज का है? ये प्लास्टिक का नहीं है, इतना पता है, ये नहीं पता किस चीज का, मतलब मजबूत है पहले से। पहले से। अच्छा, और ये शीशे वगैरह भाई? अच्छा ठीक है, भाई बस लिमिटेड बाय सिकंद कार। और इसको करके दिखाना भाई। तो भाई बाहर से तो हमारी गाड़ी हो गई। अच्छा जी, ये देखो भाई। ओहो, आ जाओ अंदर की बातें करते हैं। बाहर से तो मैंने आपको गाड़ी दिखाई दी है कि भाई ने क्या क्या काम कराया, मोटा मोटा सारी चीजें अपने गिनवा दिया। अब करते हैं भाई से अंदर की बातें। ओह देखो भाई, इसका ये फायदा है, अब भाई ने 22 इंच के टायर करवा दिए। ऊपर से भाई इतनी ऊंची होगी, इतनी ऊंची क्या बताऊं, लेकिन ऐसे देखो, ये गए वापस। ये चीज आती है रेंज रोवर होगी, बड़ी बड़ी गाड़ी होती है ना, उनमें तो सही फील दिलाती है गाड़ी का। अच्छा भाई, शीशा नहीं है, सीधी छत ही खुलेगी? हाँ जी भाई, सीधी छत खुलेगी भाई आपकी। और ये तो भाई आपने इंटीरियर तो मैं यूं कर रहा हूँ ऑरेंज पूरा ही चेंज करा दिया आगे तो लेके। अच्छा, स्पीकर वगैरह भी? भाई वूफर है, स्पीकर पीछे ये, और ये आपके यहाँ पे है, और पीछे एक डिग्गी में 3M की पेटी बनवा रखी है। अच्छा जी, मतलब दोस्तों आपने ऐसी थार तो मैं यूं कर रहा हूँ कहीं ना देखी होगी जैसी थार है आपकी। भाई डिस्प्ले चेंज है? अच्छा, जो आपका 360 व्यू दिखाती है। एक सेकंड अभी आएगा, सनरूफ बंद कर देता हूं, फिर आपको सही वीडियो बनेगी। अच्छा अच्छा, हाँ धूप हो रही है। अच्छा, पेट्रोल ऑटोमेटिक है? पेट्रोल ऑटोमेटिक है। अच्छा अच्छा, ये देखो भाई एम्बिएंट लाइट बहुत तगड़ी लग रही है। एम्बिएंट लाइट है भाई, ये आपका 360 व्यू कैमरा आ जाता है इसमें।
सारी चीजें दिख रही है, सारी चीजें एंड्रॉइड वाली भाई इसका है। यूज है 360 कैमरा का भाई, यूज सही है, आपको पता चल जाता है आसपास का। अच्छा, पर मोस्टली जैसे कई लोग होते हैं, जैसे मैं भी मतलब देखता नहीं हूँ उनमें, है ना। हाँ, पर ये लगवा लिया सही है, कोई दिक्कत नहीं है, लगवा लिया तो सही है। अच्छा, तो भाई अब गाड़ी एवरेज कितने की दे रही है आप? भाई एवरेज 22 इंच अलॉय व्हील लगने के बाद सिटी में दे रही है मेरी 7-8 की माइलेज, 7-8 की, और हाईवे पे दे रही है भाई 13-13.5 की माइलेज। अच्छा, और भाई अलॉय व्हील जब नहीं थे तो मेरी सिटी में देती थी 10-11 और हाईवे पे 16-17। अच्छा, पेट्रोल तो भाई ऐसा क्या मन कर गया आपको कि व्हाइट थार करवानी है और इतना सब कुछ पैसा लगाना है थार पे? भाई व्हाइट थार एक तो कंपनी देती नहीं है, ना दे रही है, ठीक है, ठीक है, और ऊपर से भाई ऑल ओवर इंडिया में आप देखोगे एक दो है, एक दो ही है जो आपके बाद करवाई है। हाँ, तो इसलिए भाई व्हाइट थार यूनिक दिखती है अपनी, इस वजह से व्हाइट थार अपनी करवानी थी। फिर भाई घर वालों ने कुछ कहा नहीं? 12 लाख रुपए थोड़े रुपए नहीं होते भाई, बहुत ज्यादा पैसे हो जाते हैं भाई, मतलब 15-16 लाख की तो गाड़ी लेनी और उसके बाद 12 लाख रुपए कैश, हाँ जी भाई, देना बहुत बड़ी बात हो। तो घर वालों से क्या कही भाई, क्या सीन रहा? मुझे कहानी जाननी है। घर वालों से तो कुछ नहीं, बस भाई इच्छा थी तो घर वालों ने कुछ ऐसे कुछ कहा नहीं, बस बाद में कहा, इतना कुछ नहीं कहा, बस इतना ही कहा कि वर्थ नहीं है, बस ऐसे तो और कुछ कहा नहीं। अच्छा, पर्सनल भाई इसी को यूज कर रहे हैं फिर, और कोई दूसरी गाड़ी भी है भाई? दूसरी और भी बहुत गाड़ियां हैं। अच्छा, तो मतलब पर पहली चॉइस यही है? हाँ। कब तक रखोगे गाड़ी को? हमेशा भाई इसे हमेशा रखने की इच्छा है अभी तक तो। 15 साल तक? हाँ, 15 साल। ये जो जितना भी काम हो रहा है लग रहा है 15 साल चल जाएगा भाई। इंटीरियर तो आपका इसका हर साल चेंज करवाया करूंगा मैं, नहीं तो मेरा ही जी भर जाएगा। हाँ, ये बात मेरा ही जी भर जाएगा। और भाई इसको मैं रोज नहीं चलाता, मैं इसको चलाता हूँ हफ्ते में 2-3 दिन। अच्छा, अगर रोज चलाने लग जाऊंगा तो भी जी भर जाएगा। हाँ, ये बात भी है। फिर मन नहीं करेगा यार, नॉर्मल सी चीज हो जाएगी ना। ये देखो भाई सॉफ्ट टॉप वाली क्लाइडिंग, ये जो है सॉफ्ट टॉप वाली है, ऊपर भी लेदर फिनिश है आपका छत पे। हाँ, बस काम तो भाई ठीक ठाक कर रखा उन्होंने, है ना? हाँ जी भाई, सही है भाई। और कोई सबसे अच्छी बात गाड़ी की क्या लगी आपको मॉडिफाई कराने के बाद? भाई सबसे अच्छी बात एक तो भाई इसमें बैठने में फील आती है। हाँ। एक तो इसकी हाइट उच्ची हो चुकी है अलॉय व्हील्स की वजह से, ऐसे लगता है कि भाई फर्स्ट पहली मंजिल पे बैठे हो, पहली मंजिल पे बैठे। और भाई इसका साउंड सिस्टम बहुत गजब का है, बहुत गजब का, बिल्कुल क्लियर वॉइस है, एक भले किसी वॉइस नहीं पड़ती आपकी। हाँ, सुना था आपने, ठीक है। अच्छा, नहीं फीचर कोई एक ऐसा फीचर जो आपने मतलब बाहर से लगवाया वर्थ लग रहा हो भाई इसमें तो मजे बैठ गए मेरे? भाई बाहर से लगवाया और वर्थ, भाई एक सनरूफ ही है। अच्छा, हाँ, ये अपनी सनरूफ ही है जो मेरे को वर्थ लगता है, क्योंकि इसमें भाई आप 2 से 3 आदमी तो बहुत प्यार से अपने खड़े हो कैसे निकलना है। पूरी बहुत प्यार से सन और मून पूरी बनी पड़ी है। भाई उसने फिर शीशा क्यों नहीं लगाया? भाई शीशा लगता है जो आपने देखा होगा बाकी और थारों में जो लोग शीशा लगवा लेते हैं। हाँ। उनमें भाई वाटर लीकेज की पूरी प्रॉब्लम आती है। अच्छा। इसमें भाई ये वाटर प्रूफ है, इसमें वाटर नहीं गिरता। पक्की बात है? हाँ, पक्की बात है, बारिश खूब आई है, एक बार भी पानी भीतर नहीं आया है। अच्छा जी। हाँ, पानी बस जब भीतर आता है, जब जैसे मान लो ये कपड़ा है, जब वॉशिंग पे ले जाते तो ऐसे प्रेशर से मारते स्टेडी मेडी, तो एक आध बूंद पानी के भीतर आते क्योंकि कपड़ा है ऊपर नीचे होता है। लेकिन जब बारिश आई है बहुत बार तो एक बार भी पानी नहीं टपका इसके अंदर। अच्छा जी। हाँ जी। और भाई कमी क्या आई है गाड़ी में मॉडिफाई कराने के बाद? भाई कमी आपके जैसे भाई जो आपको मिस करती हो, मतलब कि यार अगर ना कराता तो ठीक था भाई, ऐसा तो कुछ होगा नहीं? ऐसा तो कुछ नहीं है, ऐसा तो कुछ नहीं है ना, ऐसा तो कुछ। हाँ, मॉडिफाई कराने के बाद तो लगी मजे आ रहे हैं घूमने फिरने में भी। भाई लंबी कितनी चला दी गाड़ी? भाई गाड़ी तो कम ही चलाई है, 6,880। अच्छा, कब ली थी ये? 5 या 6 जुलाई को ली थी हमने। 5 या 6 जुलाई का ट्रिप व्रिप लगाई लंबी कहीं से? भाई लुधियाना तक ही गए अभी तो। अच्छा। अभी लद्दाख लेके जाएंगे जुलाई में, जून में भाई लद्दाख में तो पब्लिक देखती रह जाएगी यार। हाँ जी भाई। 4x4 का यूज किया कहीं? नहीं किया भाई, 4x4 का करा है, कम यूज करा है, पर कम यूज किया है, इतना मतलब वर्थ नहीं इतना भाई, शौक नहीं है। अच्छा, ऑफ रोडिंग का ही शौक नहीं है मतलब आपको? शौक है मॉडिफिकेशन का? हाँ। अच्छा, मॉडिफिकेशन मतलब आपने टॉप क्लास ही करवाई है? बिल्कुल भाई, मतलब इससे ऊपर तो मेरे ख्याल था भाई शायद ही कुछ चीज होगी। अब कहा रहेगा गाड़ी में कुछ रहा ही ना? कुछ भी नहीं भाई, सारी चीजें कंप्लीट है, कंप्लीट करवा दी हैं। हाँ। अच्छा जी, तो भाई आपने गाड़ी ली जुलाई में, तो साथ के साथ कराया या फिर 2-3 महीने सिंपल चलाई उसके बाद कराई? भाई मैंने जैसे 6 जुलाई को गाड़ी ली थी आपकी। हाँ। तो मैं इसको 12 नवंबर को लुधियाना छोड़ के आया था, 12 नवंबर को, और ये मेरे को मिली थी 18 जनवरी, 2.5 महीने लगा लो भाई, बहुत काम मतलब टाइम लगाया भाई बहुत उसमें। अच्छा जी, मतलब टाइम लगता ही है या फिर आपकी भी टाइम लगा है? एक तो जहाँ से मैंने करवाई है भाई वहाँ पे गाड़ियाँ बहुत सारी रहती है मतलब मॉडिफिकेशन के लिए, 50-100 गाड़ियाँ आपकी खड़ी रहती है। हाँ। और ऊपर से भाई आप देख रहे होगे काम, भाई पूरी इंजन छोड़ के पूरी गाड़ी चेंज आपकी
इंजन छोड़ के पूरी गाड़ी चेंज है। एक तरीके पूरी गाड़ी चेंज, पूरी गाड़ी चेंज है। आप देख लो। फिर भाई एक बात बताओ, कंपनी जैसे महिंद्रा महिंद्रा में आप सर्विस वगैरह कराने जाओ, वारंटी वगैरह आउट होगी? वारंटी तो आउट हो चुकी है। आउट हो चुकी है, अच्छा जी। फिर आप कुछ ना मिला गया हमें ना कुछ इंश्योरेंस में दिक्कत? कुछ इंश्योरेंस में तो ना अभी तक तो कोई कुछ। अच्छा, और तो खैर कहा भाई, सारी इन्फॉर्मेशन जान ली भाई, तो मतलब इतनी तगड़ी गाड़ी लग रही है भाई, दिल तो बताऊ ना टॉप क्लास है। या तो ऊपर थार ना देखी मैंने भी, बहुत थार देखी है, मतलब यूं लगा लो अब मैंने थार ले ली काले कलर की, तो या तो ऊपर ना देखी भाई। देखो मैं मुंह पे तारीफ करूँ सीधी बोलूँ, मतलब मजा ले रहे हो आप भाई, मजा मजाक तट के जो कुछ भी है लग रही है। आप तो कोई कहता है कि 12 लाख तू कहाँ कुटे आयो, कहाँ करवाया हो, पर ना भाई वर्थ है भाई। कहते भी वही लोग है जो जलते भाई, जिनकी देख के जलती है कि अरे क्यों करवा लाया, क्या करवा लाया, क्यों करवा लाया। बिल्कुल बिल्कुल। और दोस्तों कमेंट सेक्शन में आप बताओ कि भाई गाड़ी भाई की कैसी लगी, पैसे वर्थ है नहीं है। मैं सच बताऊं मुझे तो भाई की गाड़ी एक नंबर लगी है, मतलब मजा ही बांध दिया भाई ने। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो, उम्मीद करता हूं आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो लाइक कमेंट शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करके जाए। धन्यवाद दोस्तों वीडियो देखने के लिए।